हेलो दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम आज आपको बनाकर दिखाते हैं फटे हुए दूध की एक ही पंजाबी सब्ज़ी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में भी एकदम आसान है। आपके घर तो कभी ना कभी दूध फट ही जाता है, तब आप उसे फेंकने के बजाय टेस्टी पंजाबी सब्ज़ी बनाकर खा सकते हैं। आप इस सब्ज़ी को बनाकर लंच या डिनर या पराठे में खा सकते हैं या पूरी के साथ भी ले सकते हैं। तो चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, मेरा 500 ग्राम दूध था, रात का था, हम जैसे गैस पर बैठाए ये फट गया। तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, आज हम इसे बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाएंगे। तो इसको सूती कपड़ा या छलनी के साथ छान लीजिए। और यहाँ पर देखिए, मैं खड़ा जीरा और मरीच लहसुन और इसमें डाली हूँ थोड़ा सा प्याज, और इसको हम मिक्सी के जार में पीस ली हूँ। और ये मेरा पनीर है, इसको हम सूती कपड़ा में बांधेंगे नहीं, इसी तरह छान के इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरह कर देंगे। तो आइए, हम यहाँ पर कढ़ाई बैठा चुके हैं और इसमें जा रहा है मेरा सरसों तेल। तो बहुत थोड़ा सा दूध है, उसका पनीर जो निकला है वो थोड़ा सा है, इसलिए इतना तेल इसके लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर जीरा और तेज़पत्ता उसमें डाल दिए हैं कढ़ाई में। अब मेरा जा रहा है इसमें प्याज, तो प्याज को डालकर हम गुलाबी होने तक इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हम प्याज को फ्राई कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा प्याज फ्राई हो गया है, और जो हम मसाला पीसे थे उसमें हम हल्दी और मिर्चाई का पाउडर अलग से हम डालेंगे। यहाँ पर मेरा जा चुका है हल्दी, और यहाँ पर जा चुका है मिर्च पाउडर, और ऊपर से हम गरम मसाला डालेंगे। तो यहाँ पर हम डाल दिए हैं टमाटर, और इसमें टमाटर के साथ नमक भी डालेंगे, जिससे कि ये ग्रेवी में अच्छी तरह से पक जाए और इसका ग्रेवी अच्छा बने। तो इसको हम भूनते हुए 2 मिनट चलाएंगे। और अब इसमें हम जो देखिए, यहाँ पर आलू है, तो ग्रेवी को थोड़ा थिकनेस रखने के लिए इसमें हम आलू मैश कर लिए हैं। अगर आपके पास आलू नहीं है तो 1 चम्मच बेसन को थोड़ा सा घोर कर इसमें मसाले के साथ डाल दीजिएगा, जिससे कि जो ग्रेवी है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर हम आलू का इस्तेमाल किए हैं, 1 आलू था उसको मैश करके इसमें डाल दिए हैं, और डालकर इसके साथ ही भूंजेंगे। इसको 1 मिनट भूंजने के बाद हम जो ये दूध छाने थे उसको भी हम इसमें डालकर और चलाएंगे। तो ज़्यादा नहीं चलाना है, 1 मिनट चलाकर और इसको हम भूनते रहेंगे, 1 मिनट चलाते रहेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से बनाइए दूध के सभी। अरे यही तो पनीर है, आदमी दूध को फाड़ता है, फाड़ कर बांध देता है तो पनीर बन जाता है, और इस तरह से फट जाता है। तो गर्मे इसको भी अगर सूती के कपड़े में बांध दीजिएगा तो ये भी पनीर जैसा बन जाता है, लेकिन हम इसको सूती कपड़ा में नहीं बांधेंगे, हमको इसको इसी तरह बनाना है। तो इस तरह से दोस्तों बनाकर एक बार खाइए, उंगलियाँ चढ़ते रह जाइए कि बहुत ही मस्त ये सब्ज़ी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए, मेरा वहाँ पर जो दूध फटा था वो भुंजा गया है, और इसमें हम डालेंगे अब पानी। तो पानी इसमें ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि पतला नहीं होता है। तो इसमें हम अब डालेंगे गरम मसाला ऊपर से, और गरम मसाला डालने के बाद हम इसको जलाकर इसको ढक लेंगे, और ज़्यादा नहीं 3-4 मिनट पकाएंगे, वो भी थोड़ा धीमा आँच पर। तो यहाँ पर देखिए, मेरा 2 मिनट में हो गया है, क्योंकि ज़्यादा हम पानी नहीं डाले थे ना, इसलिए मेरा 2 मिनट में बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों, तो थोड़ा सा 2 मिनट के बाद हम इसको गैस बंद कर रहे हैं, और 2 मिनट के बाद हम इसको दिखाते हैं। तो देखिए कितना अच्छा तेल छोड़ दिया है, और उतना ही तेल में बनकर कितना अच्छा से तैयार हुआ है। आइए इसको हम सर्व करते हैं। तो ये दोस्तों सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगता है, आप भी दोस्तों बनाकर खाइए। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ऐसे वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर जाकर देखिए, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी वीडियो हम लाकर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। तो देखिए कितना सब्ज़ी अच्छा बनकर तैयार हुआ है, इसको आप लंच में डिनर के साथ या पूड़ी के साथ ले सकते हैं, ऑफिस में भी ले जा सकते हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। बहुत ही प्यारा सब्ज़ी लगता है, देखने में ही इतना प्यारा लग रहा है तो खाने में कितना प्यारा लगेगा दोस्तों। तो इस तरह से पंजाबी लोग बहुत ही बनाते हैं, तो एक बार हम लोग भी ट्राई करें।